नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों, आज मैं आपको योग के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अक्सर आपका प्रश्न होता है कि हमने एक आसन कर लिया, आप दूसरा आसन कैसे करें और आसन में हम कहाँ पर श्वास ले कहाँ पर श्वास छोड़े, ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में बना रहता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो योग होता है ये पूरा का पूरा श्वास प्रक्रिया पर आधारित होता है। श्वास प्रक्रिया कैसे रखनी है ध्यान से सुनिए। जितने भी हम आगे झुककर आसन करते हैं उनके अंदर हमें श्वास छोड़कर होल्ड करना है, जितने भी आसन हम पीछे झुककर करते हैं उनके अंदर श्वास को लेकर होल्ड करना है। मतलब आगे झुकने वाले आसनों को श्वास छोड़कर हम स्थिर करेंगे, पीछे झुककर किए जाने वाले आसनों को हम श्वास लेकर रोकेंगे। मैं डेमो सहित आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि यह मंडूक आसन है, मैं मंडूक आसन कर रहा हूं। मंडूक आसन में इस प्रकार से वज्रासन पर बैठ गए, हाथों को दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ को इस प्रकार से रखा, नाभि से हटाया, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। यह सांस छोड़कर हम आगे की ओर झुक रहे हैं, को जमीन से स्पर्श कराया, फिर धीरे धीरे उठाया, यहाँ पर होल्ड करना, श्वास लेना नहीं है, सामान्य रखना, फिर श्वास लेकर उठा। आपको समझ में आया होगा, श्वास छोड़कर मैं आगे झुका, फिर होल्ड किया, फिर श्वास लेकर उठा। तो ये आगे झुककर किया जाने वाला आसन था। अब मैं एक आसन आपको पीछे झुककर किया जाने वाला बता रहा हूँ। मैं आपको भुजंगासन बता रहा हूं, हाथों को कंधों के पास में शोल्डर के पास में रखें, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस लेकर होल्ड करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, से जितने भी हम आसन करेंगे आगे झुकने वाले आसनों में हमें श्वास छोड़ना है, पीछे झुककर किए जाने वाले आसनों में हमें श्वास लेकर झुकना है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कैसे आसनों को किया जाता है। इस बेसिक चीज को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप समस्त आसनों में पारंगत हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें आपको किसी भी चैनल पर नहीं बताई गई होगी और ना ही कोई बताना चाहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। जय जय श्याराम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।